महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच पिछले 6 दशकों से बेलगावी विवाद का कारण बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सियासत के गलियारों तक बेलगावी विवाद बढ़ता जा रहा है। वहां हलचल मचाने के बाद इसने अब इतना भयानक रूप ले लिया है कि बेलगावी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी है। इतना ही नहीं, इस कारण महाराष्ट्र सीमा समिति के अध्यक्ष और शिवसेना सांसद धैर्यशील माने के जिले में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आखिर ये कौन सा विवाद है जिसको लेकर जिला प्रशासन ने एक सांसद की जिले में एंट्री पर रोक लगा दी है? आखिर ये कैसा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लेकिन इसी के साथ सत्ता के गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है? कर्नाटक की भाजपा सरकार और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार इस विवाद पर एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण हल के बारे में बयान तो दे रहे हैं लेकिन साथ ही दोनों पक्ष बेलगावी सहित खानापुर, निपानी, नंदगांव और कारवार पर अपने अधिकार को लेकर भी दावे पेश कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये बेलगावी विवाद है क्या। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दोनों राज्यों के बीच विवाद के मुद्दे बने बेलगावी सहित अन्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी कर्नाटक के बेलगावी और उत्तर पूर्वी कर्नाटक के बीदर और गुलबर्गा जिले में फैले हुए हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। इस विवाद के मूल में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। यह अधिनियम जस्टिस फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर बना था जिसका गठन तत्कालीन केंद्र की नेहरू सरकार ने 22 दिसंबर 1953 में किया था और इस आयोग ने साल 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। आयोग ने पूरे देश को 16 राज्यों और 3 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में बांटने की सिफारिश की थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को मैसूर की जगह नया राज्य कर्नाटक अस्तित्व में आया जिसकी सीमा तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मिलती थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की मांग और आपत्ति ये थी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित किए गए कर्नाटक में सीमावर्ती 5 जिलों के 814 गांवों में निवास करने वाली लगभग 6 लाख से भी ज्यादा की आबादी पर उसका नैसर्गिक अधिकार बनता है क्योंकि वो सभी मराठी भाषी थे और भाषाई आधार पर पनपे इस विवाद का मुख्य केंद्र बना हुआ है बेलगावी। साल 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात नामक राज्य बने। इसके बाद महाराष्ट्र ने बेलगावी विवाद को और जोर शोर से तूल देना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र का तर्क था कि राज्यों के पुनर्गठन में गांव की गणना की इकाई है और बेलगावी सहित खानापुर, निपानी, नंदगांव और कारवार के प्रत्येक गांव में निवास करने वाली जनसंख्या बहुल पहले से मराठी भाषा का प्रयोग करती आ रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र एक ऐतिहासिक तथ्य को लेकर भी मजबूती से अपनी बात रखता है कि कर्नाटक के इन मराठी भाषी क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड भी मराठी भाषा में ही रखा जाता है, इस वजह से उसे बेलगामी और अन्य क्षेत्रों का अधिकार मिलना चाहिए। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 25 अक्टूबर 1966 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मेहरचंद महाजन की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया। सरकार को उम्मीद थी कि महाजन आयोग की सिफारिश दोनों राज्यों को स्वीकार होगी, बेलगामी विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगस्त 1967 में महाजन आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिसमें आयोग ने कर्नाटक के कारवार, हलियाल और सुपर्णा तालुका के कुछ गांव महाराष्ट्र को देने की सिफारिश की लेकिन बेलगावी को कर्नाटक के पास बनाए रखने की बात कही। अगले 3 साल तक रिपोर्ट पर खामोशी अख्तियार करते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने आखिरकार 1970 में इस रिपोर्ट को पेश किया लेकिन महाजन आयोग की सिफारिशों पर कोई सार्थक पहल नहीं की गई। इस बीच कर्नाटक महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने और कन्नड़ भाषी क्षेत्र को कर्नाटक में मिलाए जाने के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और बेलगावी क्षेत्र के मराठी भाषी इलाकों में कई चुनाव भी जीत गई लेकिन 1999 के आसपास महाराष्ट्र एकीकरण समिति की चमक फीकी पड़ने लगी और वो सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 भी सीट नहीं जीत सकी। इस बीच कर्नाटक सरकार लगातार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के दावे को मजबूती से खारिज करता रहा। साल 2007 कर्नाटक ने बेलगावी पर अपने दावे को मजबूती देने के लिए सुवर्ण विधान सौधा, जिसे विधानसभा कहते हैं, इसका निर्माण शुरू कर दिया। साल 2012 में बेलगावी में विधानसभा का उद्घाटन हुआ और तब से कर्नाटक का शीतकालीन सत्र हर साल यहीं पर आयोजित होता है।
यही वजह है कि ठंड में जब जब बेलगावी में विधानसभा सत्र का वक्त आता है तो हालात ऐसे ही खराब होते हैं। साल 2021 की बात की जाए तो जब बेलगावी में शीतकालीन सत्र का वक्त आया था तो सीमावर्ती जिले में हालात बेहद खराब हो गए थे और इस साल भी हालात विस्फोटक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दोनों राज्यों में सीमा विवाद शांतिपूर्ण सुलझ जाए और इसके लिए लगातार प्रयास भी चल रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार भी शांतिपूर्वक इस 6 दशक पुराने विवाद को सुलझाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद ये है कि 6 दशक पुराना ये विवाद किसी निर्णायक मोड़ पर आकर रुक जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।